आज का वीलॉग होगा हांजू सिटी के बारे में, जो कि चाइना का सबसे खूबसूरत शहर कहा जाता है। मशहूर जमाना ऑनलाइन कंपनी अलीबाबा और अली एक्सप्रेस का स्टार्ट भी हांजू शहर से ही हुआ था। चाइना में सस्ती बड़ी होती है, ये आपको एयरपोर्ट हो, टर्मिनल हो, कहीं पे भी नहीं नजर आया था। ये देखिए टेबल के ऊपर ही हॉट पॉट पक रहा है इनका, दिखाता हूँ। तो ये देखिए चाइनीज लोगों का खाना किस तरह का होता है, ये देख रहे हैं, ये बोल मेंढक है ना, बड़े बड़े। ये भी पूछा है कि ये सूप की क्या प्राइस है, ये देखें मटन का सूप है। तो दोस्तों इवू में हमारा सफर हो गया खत्म और चलते हैं एक नए शहर की तरफ। तो हमारी टैक्सी आ गई है, चलते हैं हांजू की तरफ। दोस्तों हांजू जो है चाइना के जो दो अमीर तरीन सूबे हैं ग्वांगडोंग और जीजियांग, उनमें से जीजियांग का कैपिटल सिटी है और आबादी इसकी 1.25 करोड़ के करीब है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त हम इवू रेलवे स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं और को पिछले 10-12 दिन से हम अपने बिज़नेस टूर के ऊपर थे। अब बिज़नेस टूर के आखिरी जो 4-5 दिन हैं वो होंगे इंशाल्लाह हमारे सैर के लिए। चाइना में पहले भी मैं बहुत दफ़ा आता रहा हूँ लेकिन सैर नहीं करता था, ऐसे ही चले जाया करते थे, लेकिन इस दफ़ा सोचा कुछ वीलॉगिंग के लिए कुछ नई चीज़ें बनाएं। तो अभी हम जा रहे हैं हांजू शहर और आपको फिर हांजू दिखाते हैं। ट्रेन चलने में कोई 10-15 मिनट रह गए हैं और अभी तक रास्ता ही नहीं खोला जा रहा। लोगों का रश देखें सामने कितना लग गया, पता नहीं क्या चक्कर है। पहली ट्रेन तो आधा घंटा पहले इन्होंने खोल दी, अभी हमारे 15 मिनट रह गए। अच्छा चाइना में सस्ती बड़ी होती है, ये आपको एयरपोर्ट हो, टर्मिनल हो, किसी भी जगह के अंदर दाखिल होने के लिए भी पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, टिकट के अंदर दाखिल होने के लिए भी पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, और उसके बाद अगर आपने ट्रेन में बैठना उस वक्त भी दिखाना पड़ेगा। मतलब 3-3, 4-4 जगह के ऊपर ये पासपोर्ट देखते हैं आपका। बड़ी मुश्किल से भाग के पहुंचे, 13 नंबर कैरिज थी और 13 नंबर थी बड़ी दूर। चाइना की जो हाई स्पीड ट्रेन है नॉर्मली 300-310 के इन बिटवीन जो है ट्रैवल करती है, जो कि एक्चुअली बड़ी फास्ट है। आधे घंटे की हमारी ट्रेन थी, इवू से हांजू पहुंच गए हम और ये भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है। दोस्तों जैसा कि चाइना में होता है, चाइना में रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट स्टेशन हो या उसके अलावा बस स्टेशन हो, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और इन्होंने फासले बड़े बड़े रखे होते हैं ताकि जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोग अगर छोटे फासले होंगे ना एक ही जगह पर कंजेशन हो जाएगी तो ये लोगों को जैसे यू टर्न्स नहीं बनाते दूर दूर से ताकि ट्रैफिक को ज़रा स्ट्रेच किया जा सके, तो इस तरह आबादी को स्ट्रेच करते हैं। तो ये हांजू का स्टेशन भी इसी हिसाब से काफ़ी बड़ा है। तो इस बिल्डिंग में हमारा अपार्टमेंट मौजूद है, 5th फ्लोर पे होटल मिला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कमरा कैसे है। अरे किस तरह का होटल मिल गया, ये रूम है, अंदर सीढ़ी जा रही है, बंदा कोई है नहीं। वाओ
और ये सिक्योरिटी से खुलता है। ऊपर भी कुछ है, इसमें दो फ्लोर है, बाकी रूम अच्छा है। रूम देखें, ये वॉशरूम है और छोटा सा कोजी सा रूम है। ये देखें, ये इधर से बाहर से शहर नजर आ रहा है। हांजो शहर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको स्ट्रीट्स वगैरह की सैर करवाते हैं, क्योंकि रात को इधर कोई इतनी अभी एक्टिविटी है नहीं। तो इसके बाद जो है कल आपको इसका कल्चरल टूर करवाएंगे, आज जरा आपको शहर दिखाते हैं जिधर हमने होटल लिया, इसके इर्द गिर्द लाइफ स्टाइल कैसा है, लोगों का रहना कैसा है। टिपिकल एक चाइनीज, जो चाइनीज लोग खाना खाते हैं ना, ये उसका एक टिपिकल नाइट सीन इस तरह का होता है। तो इसमें ना एक चीज़ है जो जीजियांग में तो बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, बाकी सूबों का मुझे पता नहीं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए चाइनीज लोगों का खाना किस तरह का होता है। ये देख रहे हैं, ये बुल मेंढक है ना, बड़े बड़े। ओह नो, ये भी, ये कछुआ है और ये फिश है। इसी तरह ये भी देखिए मछली है, ये भी मछली है, ये भी मछली है। ये क्या करेंगे, ये जो डंडा पड़ा ना, ये वाला डंडा, इससे इस डंडे से ये उठा के आपको, आपने खुद ही उठाना है, सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने इसको, ये आपको पका के देंगे वही वाला लाइव। मेंढक शेंढक है वो देखें, ये इनकी टेबल के ऊपर ये पके हुए हैं, ये लोग ऐसे बैठ के खा रहे हैं, तो ये इंजॉय करते हैं। ये कहीं पे भी नहीं नजर आया था, ये देखें टेबल के ऊपर ही हॉट पॉट पक रहा है इनका। और एक टेबल के ऊपर दो खाने हैं, दो आप डिफरेंट तरह के खाने पका सकते हैं, लोग खुद पका रहे हैं। तो एक अल्लाह का करम हमेशा रहा है कि जिधर भी होटल में लेता ना, बाय चांस मुझे वहाँ पे लांजो या शिनजियान का खाना मिल जाता है। और अभी मैं कह रहा था या अल्लाह आज मुझे ये भी कोई हलाल खाने को मिल जाए। और ये होटल के पास देखें, अल्लाह ने मदद की है और ये मिल गया। मैं शहर में बिल्कुल इस इलाके में पहली दफ़ा आया हूँ, कुछ नहीं पता। इधर से हम निकालते हैं, ये चिकन विंग्स ले लेते हैं एक, और इसके साथ विंग दो कर देते हैं, और इसके साथ दो बीफ की स्टिक्स ले लेते हैं। सॉरी बीफ नहीं, ये मटन है, मेरे मुंह से बीफ निकल गया, ये मटन की होती है, दुब्बा जो होता है ना, ये दुब्बा खाते हैं। दो कर लेते हैं चिकन, सही है, रेड मीट। ये पूछा है कि ये सूप की क्या प्राइस है, ये देखें मटन का सूप है, ये कहता है ये फ्री है, ये जो इसके गेस्ट हैं उनके लिए ये फ्री है। मैं इसमें से सब्जियां और वो लेके खाता हूँ। ये आ गया हांजो में हमारा पहला खाना, एक नान मिल गया और ये सूप है और साथ बारबेक्यू आ जाता है। टेस्ट बिल्कुल यखनी की तरह गई है, और मुझे लगता है वो जो मीट के बाद, जो बोनलेस मीट के बाद हड्डियाँ वगैरह बचती हैं ना, उसका ये सूप बनाते हैं, उसके ऊपर वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं, ओवरऑल टेस्ट अच्छा है। लेकिन अब जैसे हमारा यखनी टाइप होता है तकरीबन वही टेस्ट है। तो ये हमारा खाना था आज का, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो गया, और कल के लिए रिचार्ज होते हैं और अपने होटल में वापस चलते हैं। तो ये था आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।